हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश ठाकुर आपका हैबिट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज क्रमबद्ध रूप से हम वीडियो लेके आ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पे पिछले सारे वीडियो बाय मिस्टेक डिलीट हो गए थे, तो अभी नया वीडियो आपके सामने है माउंटेन्स का। आज हम स्टडी करेंगे इस टॉपिक में, इस वीडियो में, माउंटेन जिसको बोलते हैं पर्वत। ये जियोग्राफी का एक टॉपिक रहेगा, जियोग्राफी का टॉपिक रहेगा आपका माउंटेन। अगर हम इसी के संदर्भ में जियोग्राफी को देखें, जियोग्राफी अगर वर्ल्ड को डिस्क्राइब करे तो जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन। तो पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जियोग्राफी कहलाता है। ठीक है जी। अगर हम बोले कि डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी, क्लियर है। अगर बात करें कि ये डेफिनेशन किसने दिया, ये जो जियोग्राफी का डेफिनेशन है ये किसने दिया, तो इसमें नाम आता है आपका फ्रीमैन रोप ने। फ्रीमैन रोप ने, क्लियर है। और अब जानते हैं फादर ऑफ जियोग्राफी, जियोग्राफी के वास्तविक जो फादर है वो कौन है, वो है आपके इरेटास्थनीज। इरेटास्थनीज, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आज हम बात कर रहे हैं माउंटेन्स की, तो माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार के माउंटेन होते हैं और माउंटेन होता क्या है, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं माउंटेन्स, माउंटेन क्या है, क्लियर। तो माउंटेन पर्वत क्या होता है? दोज हाई एलिवेशन माउंटेन विच हैव अ शार्प पीक, विच हैव अ शार्प पीक। वो ऊंचे पर्वत जिनका ऊपरी भाग कैसा होता है? नुकीला होता है। ठीक है। तो वही कहलाते हमारे माउंटेन्स। दोज हाई एलिवेशन एरियाज या माउंटेन्स विच हैव अ शार्प पीक या शार्प एंड, क्लियर, दैट इज कॉल्ड माउंटेन्स। अब अगर देखें कि माउंटेन कितने प्रकार के होते हैं, पर्वतों की अगर टर्मिनोलॉजी की बात करें तो इसमें तीन वर्ड ध्यान में रखें आप। एक तो पर्वत श्रेणी क्या है, पर्वत श्रृंखला क्या है, और एक टर्म आती है कार्डिलेरा। वेरी इंपॉर्टेंट, पर्वत श्रेणी क्या है, पर्वत श्रृंखला क्या है और कार्डिलेरा क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि पर्वत श्रेणी, माउंटेन रेंज जिसको बोलते हैं, माउंटेन रेंज क्या होता है, माउंटेन रेंज होता है सेम एज हिल्स, मतलब समान आयु की पहाड़िया, दैट इज कॉल्ड माउंटेन रेंज। इसमें अगर सर एग्जाम्पल की बात करें तो आप जानते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे इसमें सतपुड़ा रेंज को देखेंगे, अरवली रेंज को देखेंगे, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। जो समान आयु के पहाड़ है या पर्वत है वो कहलाते हैं हमारे माउंटेन रेंज। अगर हम बात करें माउंटेन चेन की, तो माउंटेन चेन क्या होती है कि पैरेलल माउंटेन्स का समूह। जैसे हमारे यहाँ पे हिमालय पर्वत को हम पढ़ते हैं, हिमालय पर्वत में सबसे ऊपर पढ़ते हैं हम, जैसे यहां मैं आपको डायग्राम बना देता हूं, ये इंडिया का डायग्राम बन गया, क्लियर। तो यहां पे हम हिमालय पर्वत को देखें तो सबसे ऊपर पढ़ते हम ट्रांस हिमालय,
ट्रांस हिमालय, उसके बिल्कुल पैरेलल पढ़ते हैं हम ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय, और उसी के नीचे पढ़ते हैं हम मध्य हिमालय, और उसके नीचे पढ़ते हैं हम शिवालिक, शिवालिक हिमालय। तो ये जो पैरेलल तरीके से जो माउंटेन है यही कहलाते हैं हमारे श्रृंखला या चेन, पर्वत श्रृंखला। क्लियर है? अब लास्ट टर्म है आपकी कार्डिलेरा। कार्डिलेरा क्या होता है सर? तो कार्डिलेरा की अगर बात करें तो आप जानते हैं ये माउंटेन्स का समूह होता है, ग्रुप ऑफ माउंटेन, ग्रुप ऑफ माउंटेन, मतलब कि यहां पे पहाड़ियों का एक समूह होता है। इसी के साथ एक और वर्ड आता है जी, जिसको बोलते कालडेरा। कालडेरा क्या होता है? कालडेरा की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, ज्वालामुखी उद्गार जब होता है, जिस पॉइंट से ज्वालामुखी बाहर आता है, जिस पॉइंट से ज्वालामुखी पृथ्वी पर आता है और जहां से निकलता है, जहां से बाहर निकलता है, उस पॉइंट को बोलते हैं क्रेटर, क्रेटर, क्रेटर। जब यही क्रेटर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से बड़ा हो जाता है, मतलब जब हाई फ्लो या हाई प्रेशर से जब ये मैग्मा नीचे से ऊपर निकलता है तो इस क्रेटर को ये फाड़ देता है, तो वही इस क्रेटर का बड़ा होना क्या कहलाता है? कालडेरा कहलाता है, कालडेरा कहलाता है। अगर हम सबसे बड़े कालडेरा की बात करें तो आपको जापान ओसो में मिलेगा, ओसो, जापान ओसो में आपको सबसे बड़ा कालडेरा मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ आगे होगी। तीन टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस माउंटेन से जिसको हम कवर कर रहे हैं। अब हम देखते हैं माउंटेन्स कितने प्रकार के होते हैं, माउंटेन्स कितने प्रकार के होते हैं, पर्वतों को देखेंगे हम कि इसके टाइप कितने होते हैं। तो फर्स्ट अगर हम बात करें, पहले प्रकार की बात करें तो इसमें आता है फोल्डिंग माउंटेन्स, फोल्डिंग माउंटेन, इसको हिंदी में बोलते हैं बलित पर्वत, बलित पर्वत, या फिर इसको और भी बोलते हैं मोड़दार पर्वत, मोड़दार पर्वत। क्लियर है जी? दूसरा टाइप है ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, जिसको हिंदी में बोलते हैं भ्रंश पर्वत, या फिर एक इसी में टर्म आती है भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी। क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड टाइप की बात करें तो आप जानते हैं तीसरा टाइप है हमारे पास वॉल्केनिक, वॉल्केनिक माउंटेन्स, इसको हिंदी में बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। क्लियर है जी? समझ आ रहा होगा आपको। और चौथा टाइप है जी आपका अवशिष्ट पर्वत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेजिडुअल माउंटेन, रेजिडुअल माउंटेन्स। क्लियर है? अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। क्लियर है? तो अब वन बाय वन इनको समझना शुरू करते हैं। तो ये चार टाइप हुए हमारे पर्वतों के, जिसमें फोल्डिंग माउंटेन, जिसको हिंदी में बोलते हैं बलित पर्वत, मोड़दार पर्वत, अगर दूसरे पर्वत की बात करें तो ब्लॉक माउंटेन होता है, जिसको भ्रंश घाटी या भ्रंश पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम थर्ड की बात करें तो आप जानते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स, माउंटेन वॉल्केनिक जो होता है ये ज्वालामुखी पर्वत होता है, जैसे कि एंडीज और रॉकी रेंज को आप पढ़ते हैं, ऑपरेशन रेंज को आप पढ़ते हैं, मैकेंजी रेंज को आप पढ़ते हैं, ब्रुक्स रेंज को आप पढ़ते हैं, इन सारी रेंजों में आपको कैसे ज्वालामुखी मिलेंगे, वो आपको वॉल्केनिक पर्वत मिलेंगे, वॉल्केनिक पर्वत मिलेंगे, जो भी माउंटेन मिलेंगे वहां पे वॉल्केनिक माउंटेन मिलेंगे। ठीक है? नेक्स्ट अगर बात करें हम अवशिष्ट पर्वतों की, तो अवशिष्ट पर्वतों के बारे में भी हम देखेंगे, जो घिसे पिटे पर्वत होते हैं उन्हीं को अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं। जैसा एग्जांपल हमारे भारत में बहुत अच्छा एग्जांपल है अरावली रेंज, अरावली रेंज को बुरी तरह से मारा पीटा घसीटा है और तभी उसकी वो हालत है। मारा पीटा घसीटा किसने जी? तो उसको घसीटा सूर्य की किरणों ने, वेदर ने, हवाओं ने,
तो उसी वजह से आज उसकी वैसी हालत है। क्या हिमालय की भी ऐसी हालत हो सकती है? कहा नहीं जा सकता, हो सकती है आने वाले टाइम में। क्लियर? हाँ जी। तो फर्स्ट हम बात करेंगे फोल्डिंग माउंटेन की, फोल्डिंग माउंटेन्स की। तो फोल्डिंग माउंटेन या मोड़दार पर्वत क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं, ये जो हमारे हिमालय पर्वत है, यहां भारत में हिमालय रेंज है, हिमालय रेंज है, हिमालय रेंज, हिमालय रेंज फोल्डिंग माउंटेन है। ये वलन पर्वत है, वलन की वजह से बना हुआ पर्वत है। दूसरा अगर बात करें हम तो रॉकी रेंज, रॉकी रेंज भी वलित पर्वत है। एंडीज रेंज, एंडीज रेंज, एंडीज रेंज, ये कहां पे है? साउथ अमेरिका। और ये कहां पर है? नॉर्थ अमेरिका। और ये है आपकी इंडिया। क्लियर? ये तीनों एग्जांपल मैंने आपको बताया किसके? फोल्डिंग माउंटेन्स के, फोल्डिंग माउंटेन्स के। अच्छा सर, ये बने कैसे फोल्डिंग माउंटेन? इसके पीछे भी तो कोई रीजन होगा। जी बिल्कुल, इसके पीछे भी रीजन है, वो क्लियर करते हैं अभी। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, सबसे पहले इसको समझाने के लिए मुझे आपको लिथियोस्फेयर और एस्थेनोस्फेयर बताना पड़ेगा। तो ये आपका सरफेस है, यहां पे आप खड़े हुए हैं। क्लियर है? यहां पे आप खड़े हुए सरफेस पे, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं यहां पे, यहां की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है? यहां से 0 डिग्री मैंने इसको माना, ठीक है, 0 किलोमीटर माना, 0 किलोमीटर। अब 0 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है, इसको बोलते हैं हम लिथियोस्फेयर, लिथियोस्फेयर या स्थल मंडल। क्लियर है जी? बात समझ आई? लिथियोस्फेयर या स्थल मंडल, कहां से? 0 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक, पृथ्वी के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। ठीक है? अब स्थल मंडल से नीचे देखें, 100 से 400 किलोमीटर तक, 100 से 400 किलोमीटर तक की अगर हम बात करें, तो आप जानते हैं इसको बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर मतलब दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल। क्लियर है? ये दुर्बलता मंडल क्यों इंपॉर्टेंट है सर? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? इसमें मैग्मा पाया जाता है। और याद रहे, हमारी जो पृथ्वी है, इसमें दो जगह पर ही मैग्मा पाया जाता है। एक तो इंटरनल कोर जो होता है, जो कोर जो होता है उसमें पाया जाता है, और दूसरा दुर्बलता मंडल में आपको मैग्मा मिलेगा। क्लियर है? और इस मैग्मा में क्या होता है? रेडियो एक्टिव वेव्स मैग्मा में होती है। क्या पाया जाता है? मैग्मा, मैग्मा पाया जाता है। और मैग्मा क्या है? रेडियो एक्टिव वेव्स, रेडियो एक्टिव वेव, थोरियम, यूरेनियम, क्लियर, एटसेट्रा एटसेट्रा। और आप जानते हैं इसी इसी दुर्बलता मंडल का जो टेम्परेचर है वो 1900 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। ये बहुत गर्म टेम्परेचर होता है, यहां पे बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये अर्थ का क्या है? क्लोज सिस्टम है। अर्थ का कैसा सिस्टम है? ये क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम आपने पढ़ा है। क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम अगर देखें तो इसमें क्या होता है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ये जो प्रेशर और टेम्परेचर होता है बहुत हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है। क्लियर? और इसी वजह से प्रेशर और टेम्परेचर के ज्यादा होने की वजह से ये जो एस्थेनोस्फेयर है ये किस फॉर्म में है? ये मैग्मा फॉर्म में है ना, तरल पदार्थ के रूप में है। अगर हम बात करें इसी मैग्मा और स्थल मंडल, मतलब लिथियोस्फेयर और एस्थेनोस्फेयर का जो ज्वाइंट एरिया है, लिथियोस्फेयर और एस्थेनोस्फेयर का जो ज्वाइंट एरिया है, दैट इज कॉल्ड प्लेट एरिया, प्लेट एरिया। यहां पे प्लेटें पाई जाती है। कौन सी प्लेटें सर? खाने वाली प्लेटों की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पे कौन सी प्लेटें पाई जाती हैं? हमारी अगर प्लेटों की हम बात करें तो 7 मेजर प्लेटें हैं और 21 जो है माइनर प्लेटें हैं। 7 मेजर प्लेटें हैं और 21 जो है माइनर प्लेटें हैं। क्लियर है? उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा
21 हमारी माइनर प्लेटें हैं, 7 हमारी मेजर प्लेटें हैं। 7 प्लेटों की अगर बात करें तो आप जानते हैं अफ्रीकन प्लेट होगी, जितने भी कॉन्टिनेंट है, बोलने का मतलब जो हमारे महाद्वीप है वो एक एक प्लेटों पे भूगोल विविधताओं ने इनको क्या किया हुआ है, समेकित किया हुआ है। जैसा मैं अगर यहां पे बोलूं, ये जो प्लेट रीजन है यहां पे हमारी प्लेटें पाई जाती है, एक ये प्लेट होगी, एक ये प्लेट होगी, एक ये प्लेट होगी, एक ये प्लेट होगी, क्लियर है। अब 2 मिनट के लिए मैं अगर बोलूं कि ये है हमारी अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, क्लियर, ये हमारी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और ये हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, क्लियर है, और ये हमारी यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, जितने में हमारे महाद्वीप है उसी हिसाब से। तो इस प्लेट का मतलब क्या हुआ, इस प्लेट का मतलब क्या हुआ, इस प्लेट का मतलब क्या हुआ और इस प्लेट का मतलब क्या हुआ। बोलने का मतलब ये जो अफ्रीकन प्लेट कहां पे, दुर्बलता मंडल में है, इस वाले रीजन पे है। इसको अगर स्थल मंडल पे देखें तो इस प्लेट पे पूरा का पूरा कौन सा है, अफ्रीका स्थित है, क्लियर है। भूगोल विविधताओं ने बड़े से बड़े रीजन को समेकित करने की कोशिश की हुई है। बोलने को तो ऐसा भी हम कह सकते थे कि ये जो है हिमाचल प्लेट है, ये जो है राजस्थान प्लेट है, ये जो है हरियाणा प्लेट है, ये जो है तमिल प्लेट है, ठीक है। तो तमिलनाडु को पूरा स्थल मंडल पे, यहाँ जो पूरे का पूरा तमिल होगा वो इस प्लेट पे होगा, या पूरे का पूरा राजस्थान इस प्लेट पे होगा, पूरे का पूरा पंजाब इस प्लेट पे होगा, पूरे का पूरा हिमाचल इस प्लेट पे होगा। तो यही बात कर रहा हूं मैं महाद्वीपों की, जो अफ्रीका महाद्वीप यहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका इस प्लेट पे है और इंडो ऑस्ट्रेलियन इस प्लेट पे है और यूरेशियन प्लेट इस प्लेट पे है, क्लियर है, बात समझ आई। तो अब देखते हैं कि ये जो मैग्मा फॉर्म में है, अब पृथ्वी आपको पता है घूम रही है 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, बात समझ आई, पृथ्वी घूम रही है तो वो किसको घुमा रही है, मैग्मा को भी तो घुमा रही है, ठीक है। अब मैग्मा घूमेगा तो क्या करेगी, ये प्लेटें भी तो कोलाइड करेगी, अगर ये यहां पे प्लेट कोलाइड कर रही है तो ये वाली प्लेट इसका क्या करेगी, विरोध करेगी, ये तो घूमेगी, ये इस साइड को आएगी, अब ये इधर को नहीं जाएगी, क्लियर। अगर आपकी यूरेशियन प्लेट में हलचल है, क्लियर, तो ये क्या करेगी, कोलाइड करेगी, मूव करेगी, तो ये प्लेट इसका क्या करेगी, विरोध करेगी दूसरी साइड से। बोलने का मतलब प्लेटों की अगर मैं गतियों के बारे में बात करूं तो एक होती है प्लेटों की जो कंप्रेशन फोर्स, संपीड़न बल जिसको बोलते हैं, कंप्रेशन फोर्स, इस गति को बोलते हैं अभिसारी गति, अभिसारी गति। अगर बात करें एक प्लेट ऊपर को मूव कर रही है, एक प्लेट नीचे को मूव कर रही है, तो इसको बोलते हैं रूपांतरित गति, रूपांतरित गति, क्लियर है, बात समझ आई। अगर बात करें टेंसाइल फोर्स की, एक दूसरे से दूर जा रही है, तो इसको बोलते हैं अपसारी गति, अपसारी गति, ठीक है। तो इसी तरह से ये प्लेटें क्या करती है, कोलाइड करती है, मूव करती है। जब ये प्लेटें मूव करेगी, ये देखो महाद्वीपीय प्लेटें हैं सारी, क्लियर है, महाद्वीपीय प्लेटें, महाद्वीपीय प्लेटें मतलब जिसपे अमेरिका स्थित है और साउथ अमेरिका स्थित है, यूरेशिया स्थित है, ऑस्ट्रेलिया स्थित है, ये सारी महाद्वीपीय प्लेटें हैं। महासागरी प्लेट, पैसिफिक प्लेट है, अटलांटिक प्लेट है, क्लियर है। तो अगर आपका महाद्वीपीय प्लेट और महासागरी प्लेट, इन दोनों में गति होती है, कौन सी गति, अभिसारी गति, दोनों एक दूसरे की ओर आती है, तो किस पर्वत का निर्माण होता है, तो बताइए। जैसा कि रॉकी रेंज में अगर देखें, रॉकी रेंज और एंडीज रेंज में अगर देखें, एंडीज रेंज की बात करें तो आप जानते हैं, ये मैं डायग्राम बनाता हूं, क्लियर, साउथ अमेरिका का, साउथ अमेरिका का डायग्राम, यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, क्लियर है। इस अटलांटिक महासागर की एक प्लेट है जिसका नाम है जनाका प्लेट, ये जो प्लेट बताई मैंने, ये जनाका प्लेट, यहां की जनाका प्लेट, और ये जो प्लेट है ये है साउथ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट। इन दोनों में गति हुई,
इन दोनों में गति हुई, दोनों ने क्या किया एक दूसरे की ओर आना शुरू किया। प्लेटो ने एक ईयर में 5 से 7 सेंटीमीटर जो है क्या कर रही है प्लेटें मूव कर रही है। क्लियर, ये भी ध्यान में रहे। जैसा कि आप जानते हैं हम हिमालय पर्वत की ऊंचाई कितनी पढ़ते थे 8848, लेकिन वर्तमान में अगर देखें तो 8850। इसका मतलब है कि हमारे जो पर्वत क्या हो रहे हैं ऊंचे हो रहे हैं, किस वजह से प्लेटो के कोलाइड करने की वजह से, प्लेटो के मूव करने की वजह से। समझ आई बात, क्लियर है। तो देखिए अभी हम फोल्डिंग माउंटेन पढ़ रहे हैं, फोल्डिंग माउंटेन को कवर कर रहे हैं। तो ये जनाका प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट में गति हुई, तो यहां पे फॉर्मेशन हुआ किस रेंज का, ये जो फॉर्मेशन हुआ एंडीज रेंज का। दोनों गतियां, जब दोनों प्लेटें गति करेगी तो बीच में क्या होगा, बीच में बलन पड़ेगा। अब यहां भी मिट्टी है, अभी 2 मिनट के लिए मैं बताऊं, उम्मीद है समझ आ गया होगा यहां तक। ठीक है जी, अब अगर प्लेटों की बात करें सर, प्लेटें मूव करेगी तो कैसे पर्वत बनेंगे। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, घर में आटा को गुथ लें आप, ठीक है, और 2 अनियमित प्रकार की प्लेटें रखें या फिर कोई भी 2 अनियमित प्रकार के लकड़ी के टुकड़े रखें और आटे को क्या करें कंप्रेस करें, आटे को कंप्रेस करें तो क्या करेगा, आटे में फोल्डिंग होना शुरू हो जाएगा, एक फोल्ड, दूसरा फोल्ड, तीसरा फोल्ड। जैसे ये 2 प्लेटें गति कर रही है एक दूसरे की ओर, और बीच में क्या, ये प्लेटें बोलने का मतलब इस पे एशिया पूरा का पूरा कंप्लीट है, एशिया महाद्वीप की प्लेट है, ये यूरेशिया की प्लेट है, ठीक है, यूरेशिया और एशिया तो एक ही प्लेट है, मान लो ये एशिया की प्लेट है, यूरेशिया की प्लेट है ये, और ये अफ्रीका की प्लेट है, दोनों एक दूसरे की ओर गति करती है, तो बीच में जो मिट्टी है मलवा है इसको क्या होगा प्रेशर पड़ेगा, तो ये ऐसे उठेगा, ऐसे इस तरह से ये खड़ा होगा। क्लियर है, तो ये जो मिट्टी है ये ऊपर की ओर उठेगी, किसकी वजह से, वलन की वजह से, तो क्या होगा माउंटेन का फॉर्मेशन होगा, माउंटेन का फॉर्मेशन होगा। तो समझ आ गई होगी आपको बात, यही मैं समझाना चाह रहा था आपको यहां, और इसके लिए मैंने आपको लिथियोस्फेयर और स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल भी समझाया। तो आप ध्यान में रखें कि यहां का जो टेम्परेचर होता है दुर्बलता मंडल का 1900 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहां पे क्या होती है रेडियो एक्टिव वेव्स होती है, रेडियो एक्टिव वेव्स क्या करती है मैग्मा को पिघलाती है, और मैग्मा क्या करता है, मैग्मा पूरा एक तरल पदार्थ है जो पृथ्वी के रोटेट होते ही गति करना शुरू करता है, गति करना शुरू करता है, और ये क्या करता है, ये प्लेटें जो है, ये पूरी जो प्लेट की पट्टी है ये इसी मैग्मा पर स्थित है, और इसी प्लेट के ऊपर क्या है पूरे का पूरा स्थल मंडल है हमारा, और स्थल मंडल पर हम रह रहे हैं। क्लियर है, तो इन्हीं प्लेटों के गति करने से फॉर्मेशन हुआ किस चीज का, फोल्डिंग माउंटेन का। क्लियर है, गॉट इट, ओके जी। तो ये हो गया हमारा फोल्डिंग माउंटेन। अब दूसरे माउंटेन की बात करते हैं हम, दूसरा माउंटेन था हमारा ब्लॉक माउंटेन, मतलब भ्रंश पर्वत। क्लियर है, अब भ्रंश पर्वत में क्या होता है, अब ये प्लेटें हैं आपकी, क्लियर, ये बीच की प्लेट, ये क्रैक्ड प्लेट है, ये पहले ही क्रैक हो चुका है ये पोर्शन, ठीक है, ये पहले ही क्रैक हो चुका है ये पोर्शन, तो ये जो प्लेट है ये क्रैक्ड प्लेट है पहले से ही, और ये 2 प्लेटें गति करती है, तो ये बीच की प्लेट क्या होती है, ये ऊपर को उठती है इस तरह से, ये ऊपर को उठती है, और यही कहलाता है हमारा ब्लॉक माउंटेन, यही कहलाता है हमारा ब्लॉक माउंटेन। जैसे कि यहां पे अगर मैं आपको बताऊं, ये 3 चौक है, ये 3 मार्कर है, ये 3 मार्कर इनमें अगर बलन पड़ता है तो ये बीच वाला मार्कर उठ गया ना, तो यही कहलाती है हमारी, ये कहलाता है हमारा ब्लॉक माउंटेन। ये 2 प्लेटें हैं और बीच वाली प्लेट में क्रैक्स है, जैसे यहां ये क्रैक है देख रहे होंगे आप, ये क्रैक, ये इकट्ठा है प्लेटें, अब 2 प्लेटों में प्रेशर पड़ा, बाहर के ये 2 मार्करों में प्रेशर पड़ा, और इन्होंने बीच वाले मार्कर को ऊपर उठा दिया, तो सेम यही काम यहां पे इन प्लेटों ने किया, जब ये मार्कर ऊपर उठा तो इस मार्कर को बोला क्या ब्लॉक माउंटेन, और जो इस मार्कर की जो ये नीचे वाली पोर्शन है इसको बोला भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी।
ये भी भ्रंश घाटी, जैसा आप जानते हैं भ्रंश घाटी से बहने वाली हमारे भारत में कौन सी नदी है, तो नर्मदा नदी और तापी नदी, ताप्ती नदी। क्लियर है, उम्मीद है कि आपको यह भी समझ आ गया होगा ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं। क्लियर है, ब्लॉक माउंटेन समझ गया। नेक्स्ट है हमारा थर्ड टाइप है, कौन सा माउंटेन था, रेजिड्यूअल माउंटेन या फिर वॉल्केनिक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन, ज्वालामुखी पर्वत। अब ज्वालामुखी पर्वत का फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो मैंने बताया था आपको लिथियोस्फेयर, लिथियोस्फेयर में क्या है, मैग्मा है। क्लियर है, लिथियोस्फेयर में मैग्मा है। जब ये मैग्मा, ये सरफेस बताया मैंने पृथ्वी का, क्लियर, ये इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया, यहां पे क्या है, मैग्मा है। क्लियर, जब ये मैग्मा पृथ्वी की तरफ निकलता है, क्यों निकलता है सर, इसके पीछे भी रीजन है, जैसा उस रीजन को समझिए आप, क्या रीजन है। अब दो प्लेटों में अगर गति होती है, दो प्लेटों में अगर गति होती है, यह बताया मैंने ये महासागरीय प्लेट है, महासागरीय प्लेट, और ये महाद्वीपीय प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट। जब दोनों प्लेटें क्या कर रही है, एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है, तो ये प्लेट क्या करती है, महासागरीय प्लेट भारी होती है, इसलिए मैंने इसको नीचे बनाया। क्यों क्यों भारी, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, और इसकी डेंसिटी जो है, इसका घनत्व जो है कम होता है, घनत्व कम होता है और इसका घनत्व ज्यादा होता है। क्लियर, महासागरीय प्लेट का जो घनत्व होता है वह एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल प्लेट से ज्यादा होता है। ठीक है, जब प्लेटों में संपीड़न बल पड़ता है या फिर कंप्रेशन फोर्स लगती है, एक दूसरे की ओर आना ये स्टार्ट करती है, क्लियर, तो क्या होता है, ये जो प्लेट है महासागरी प्लेट, ये इस महाद्वीपी प्लेट को चीरते हुए अंदर घुस जाती है, यहां से अंदर घुसी, और एक टाइम ऐसा आता है जब इस महाद्वीपी प्लेट का वेट भी इस पर पड़ता है। अब ये महासागरी प्लेट तो अंदर जा रही है इसको चीरते हुए, अब इस पर इसका वेट पड़ा ऊपर से और भारी हो गई, और एक पॉइंट ऐसा आता है जहां से झुक जाती है, ये प्लेट नीचे मुड़ जाती है। ये कहां तक मुड़ती है, ये वेन्यू ऑफ जोन तक मुड़ती है। वेन्यू ऑफ जोन वो पॉइंट होता है जहां पर बहुत ज्यादा हीट होती है, बहुत ज्यादा प्रेशर, टेम्परेचर, सब कुछ इंफिनिटी होता है। क्लियर, वहां पर ये प्लेट क्या करती है, पिघलना शुरू होती है। किस पॉइंट पे, वेन्यू ऑफ जोन। ये प्लेट क्या करती है, चीरते हुए महाद्वीपीय प्लेट में घुसती है, और एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे इसका वजन जो है ऊपर से इस प्लेट पे पड़ता है, महासागरी प्लेट पे महाद्वीपीय प्लेट का वजन पड़ेगा, और ये प्लेट झुक जाएगी। और झुकेगी कहां तक सर, तो ये झुकेगी आपकी वेन्यू ऑफ जोन तक। वेन्यू ऑफ जोन वो पॉइंट होता है जो क्या करता है, जो जहां पे असहनीय सब कुछ होता है, सब कुछ बहुत ज्यादा होता है, इन्फिनिटी टेम्परेचर, हीट वगैरह वगैरह सब कुछ। क्लियर, और यहां से ये प्लेट पिघलना शुरू हो जाती है, बोलने का मतलब यहां इस पॉइंट से ये प्लेट पिघलना शुरू, यहां इसको कोरिलेट करें, ये शुरू पिघलना शुरू हो जाती है। पिघलने के क्रम में जो मैग्मा है वो ऊपर की तरफ फ्लो करता है, ऊपर की तरफ फ्लो करता है, ऐसे इस नली से ऊपर की तरफ फ्लो करता है मैग्मा। क्या फ्लो करता है, मैग्मा। अब मैग्मा जब बाहर निकलता है, तो बाहर निकलता कहां से, पहले बताया मैंने क्रेटर से, क्रेटर से बाहर निकलता है। जब ये मैग्मा बाहर निकलेगा तो क्या करेगा, ये लावा के रूप में फैल जाएगा, लावा के रूप में बाहर फैल जाएगा। क्लियर है, लावा के रूप में ये फैलता है। अब लावा के रूप में जब ये फैलता है, जब ये लावा क्या होता है, ठंडा होता है, जब ये लावा ठंडा होता है, जिसमें इसमें कूलिंग होती है, तो इससे क्या बनती है, आपकी बेसाल्ट चट्टाने बनती है। कौन सी चट्टाने, बेसाल्ट चट्टाने बनती है, और ये बेसाल्ट चट्टानों का पहाड़ ही क्या कहलाता है, ज्वालामुखी पर्वत कहलाता है, ज्वालामुखी पर्वत कहलाता है, ज्वालामुखी पर्वत कहलाता है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा ज्वालामुखी पर्वत क्या होता है। क्लियर है, कंप्लीट एनालिसिस, और बताऊंगा अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में आपको हर चीज करवाऊंगा,
और वन बाय वन और क्रमबद्ध रूप से हम सभी चीजों को कवर करेंगे ज्योग्राफी में, और बाकी जो सब्जेक्ट की सीरीज चली है स्टैटिक की वो भी कंटिन्यू करेंगे। और आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो डिलेट होने की वजह से इस चैनल पे ज़्यादा व्यूज नहीं है, सब्सक्राइबर नहीं है, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी लोगों तक, सभी मित्रों तक पहुँचाए। यही आप लोगों और मेरे बीच का तालमेल रहेगा, और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं इन वीडियोस के माध्यम से देते रहें आप, ताकि आपका और मेरा तालमेल बना रहे। क्लियर है? अब हमारे पास बचता है लास्ट माउंटेन, जिसको बोला हमने अपशिष्ट पर्वत। अपशिष्ट पर्वत, समझ आए बात? अपशिष्ट पर्वत। तो अपशिष्ट पर्वत क्या होते हैं? सिंपल सी बात, घिसे पिटे पर्वत, जिनको किसने घसीटा पीटा? एक तो सूरज ने, क्लियर है, सॉरी, एक तो सूरज की गर्मी ने, क्लियर, और दूसरा वर्षा और हवाएं, जैसा कि एग्जांपल है हमारे पास, जैसा कि एग्जांपल है हमारे पास किसका? एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एग्जांपल है हमारे पास अरावली रेंज का, अरावली रेंज का। तो ये थे आपके माउंटेन्स। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप मेरे साथ बने रहे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने सभी मित्रों के साथ इसको शेयर करें। नमस्कार, मैं राकेश ठाकुर आपका एक बार फिर इस चैनल पे फिर से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।